आंदोलनकारी किसानों की सबसे पहली मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान संगठनों की शिकायत है कि नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। इसके अलावा किसानों का सबसे बड़ा डर यह है कि इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म हो जाएगा। अब तक किसान अपनी फसल को अपने आसपास की मंडियों में सरकार की ओर से तय की गई MSP पर बेचते थे। वहीं इस नए कानून के कारण सरकार ने कृषक उपज मंडी समिति से बाहर कृषि के कारोबार को मंजूरी दे दी है। इसके वजह से किसानों को डर है कि उन्हें अब उनकी फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अपना माल कहीं भी बेच देगा, मंडी खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी, सड़क खत्म हो जाएगी तो किसान कैसे बेचेगा, क्या हवाई जहाज से जाके बेचेगा? यह जो ढांचा है कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कि कांग्रेस जिस बिल पर आज हंगामा कर रही है, 7 साल पहले कांग्रेस खुद भी वैसा ही वादा देशवासियों से कर रही थी। 7 साल पहले 27 दिसंबर 2013 की कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखिए। 27 दिसंबर 2013 को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों पर लड़ने के लिए कांग्रेस शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया था कि 15 जनवरी 2014 तक सभी कांग्रेस शासित 11 राज्यों में APMC एक्ट के दायरे से सभी फल और सब्जियों को बाहर कर दिया जाएगा, ताकि किसानों को जहां भी अपनी फसल सब्जी या फलों का सही दाम मिले वहां अपनी उपज को बेच सके। सुनिए राहुल गांधी के सामने 27 दिसंबर 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने क्या कहा। अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों की को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा।